देखिए, हादसा तो बहुत ख़तरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे दशहरा में, उनके साथ में बैठ करके हम लोग ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिलके किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका, और लगातार बात होती रहती है, कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है साहब, ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। देखिए, वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, कई बातें होती हैं। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में रैमपार्ट में, तो हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए, हम आपकी सेवा करते हैं, कभी आप ससुराल पधारिए तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है हमको अपनी फ़ौज की सेवा करने का, मैं अपनी फ़ौज की सेवा कर लूँ पहले, रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि तुम हमारी सेवा कितनी करोगे। ऐसा उन्होंने मजाक में हमसे बात कही थी। जिस तरीके से वो हादसा हुआ, जी देखिए, हमको बहुत लेट मालूम पड़ा। नहीं होता तो हम तो बाय कार जाते और पूरी रात ड्राइव करते गाड़ी, लेकिन सेना ने इस चीज़ को समझा। सेना ने हमसे कहा कि नहीं, आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ा कर दीजिए, और वो हमारी उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो हम, हमारी पत्नी 8:30 बजे फ़्लाइट से, सेना की फ़्लाइट से हम जा रहे हैं दिल्ली, और हमारी माँ के लिए जबलपुर के वरिष्ठ अधिकारी सेना के वो निकल चुके हैं, माँ को लेकर के वो आ जाएंगे रात को या कल सुबह आ जाएंगे जबलपुर, और वहाँ से उनको पहुँचाया जाएगा दिल्ली। ABP News आपको रखे आगे।